कितना आगे बढ़ा जमाना, फिर भी किस्सा वही पुराना, अब है नया संसार बनाना। पढ़ना है पढ़ाना है सबको साक्षर बनाना है, पढ़ना है पढ़ाना है सबको साक्षर बनाना। अब तो शोषण से लड़ना है, नया समाज हमें गढ़ना है, प्रगति की राह पर चलना है, सपनों को साकार बनाना है। पढ़ना है पढ़ाना है सबको साक्षर बनाना। नमस्कार लीजिए, हम फिर हाजिर हैं ज्ञानदीप के साथ। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं आदिवासी क्षेत्र बंसवारा में, क्योंकि इलाका है बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, इसलिए यहाँ समस्याएं भी हैं और इन समस्याओं का समाधान ये अपने संस्कृति के दायरे में रहकर ही करना चाहते थे, पर साक्षरता अभियान के बाद आई जागरूकता के बाद इन लोगों में बहुत सा बदलाव आ गया है। यूं तो हमारे देश के गांव वैसे ही अपने पिछड़ेपन और बदहाली के लिए मशहूर हैं। उस पर गांव अगर आदिवासियों का हो तो खुद ही सोचा जा सकता है कि उस गांव का क्या हाल होगा। ये है राजस्थान का गांव बिजलिया। आदिवासियों का ये गांव भी उन गांवों की तरह ही है जहां गरीबी, पिछड़ापन और बेरोजगारी जैसी तमाम समस्याएं हैं। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग खेतिहर मजदूर हैं और अनपढ़ हैं। बिना पढ़े लिखे होने के कारण बरसों से चली आ रही समस्याएं आज भी वैसी ही बनी हुई हैं। समस्याएं तो हमेशा से थीं और आगे भी बनी ही रहेंगी, लेकिन समस्याओं का रूप बदलते रहना चाहिए और इसी बात के लिए ये लोग अब जागरूक हो रहे हैं। अपनी संस्कृति में ही हमेशा से खुश रहने वाले ये आदिवासी लोग पहले समस्याओं का हल ढूंढने की जगह उसको अपनाते हुए अपना जीवन गुजार देते थे। यही कारण था कि ये लोग अधिक पिछड़े और बेहाल थे, लेकिन अब ये आदिवासी समस्याओं के उन अंधेरों से दूर होना चाहते हैं जो अभी तक उनकी जिंदगी में फैले हुए थे, और रोशनी की ये किरण उनको दिखाई दी साक्षरता के कारण। चलाए जा रहे साक्षरता कार्यक्रम के तहत जब इस गांव में केंद्र खोला गया तो गांव में फैली निरक्षरता के कारण लोग पढ़ने नहीं आए, लेकिन जैसे जैसे साक्षरता से होने वाले फायदों को उन्होंने पहचाना और उससे लाभ उठाया, साक्षरता केंद्र पर लोगों के आने की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी और अब तो बड़ी संख्या में लोग पढ़ने के लिए साक्षरता केंद्र पर आते हैं। खासकर इनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। आदिवासियों में जहाँ पुरुष भी बहुत कम शिक्षित होते हैं, वहाँ पर इन महिलाओं को पढ़ाई करते देखना अपने आप में एक सुखद दृश्य सा लगता है। महिलाओं की रुचि पढ़ाई में बढ़ने का सीधा सा कारण है इनको साक्षरता से हो रहा फायदा। अनीता कुमारी बताती हैं। जहाँ भी जहाँ ठगाई नहीं कहीं नहीं था, पढ़ी लिखी वो जहाँ जाए वहाँ ठगाई नहीं, वाणिया नहीं ठगे, कोई भी बाजार में नहीं ठगे, ये आगे भी पढ़े वध पढ़े दे सरपंच बने मीमर बने। जबकि साक्षर हो रही कृपा बताती हैं साक्षरता के और फायदों के बारे में। जोर थी पढ़ना नहीं, नाम लिखना नहीं सीखती थी, और फिर अभी थोड़े थोड़े पढ़ने लगी तो अपना अपना सब नाम लिख देती है, उसके बाद फिर अपना जो थोड़ा बहुत हिसाब किताब करती और अपना अपना दस्तखत कर लेती। कहीं पर बाजार में जाओ तो कहीं पर मतलब सामान कुछ भी खरीद के लाए तो पैसे की समझदार मतलब हिसाब किताब कर देती। साक्षरता ने उनको केवल हिसाब किताब और दस्तखत करना ही नहीं सिखाया, बल्कि एक महिला की जिंदगी से जुड़े विभिन्न पहलुओं के प्रति भी वे जागरूक हो चुकी हैं। टीके ना लगाने से गर्भवती महिला को होने वाले नुकसानों के बारे में बताते हुए वे कहती हैं। जो औरत का मतलब कमीशन होता है उनका टीका लगाना जरूरी है, और वो बच्चा भी ताकीदार बनता है, और फिर नहीं टीके लगाते तो वो कमजोरी बच्चा रहता है, औरत भी कमजोरी रहती है और उनकी ताकत कम हो जाती है। और केवल पढ़ाई करना लोगों को नीरस ना लगने लगे इस कारण यहाँ पर खेलों की व्यवस्था भी की हुई है। लड़कियों को लूडो और रस्सीकूद कराई जाती है। लूडो के बहाने इनको अंकों की जानकारी भी अच्छी हो जाती है और रस्सीकूद करने से लड़कियों की शारीरिक कसरत हो जाती है, साथ ही उनका शारीरिक विकास भी बेहतर ढंग से होता है। पास के ही एक और गांव में महिलाओं का केंद्र चला रहे प्रकाश चंद निनामा कहते हैं कि आज की महिलाएं आगे आना चाहती हैं और कुछ करना चाहती हैं। महिला भी आदमी की तरह कुछ आगे आने की जो इच्छुक हैं हर दृष्टि से, यानी राजनीतिक दृष्टि किसी भी
इस केंद्र के पास ही गांव में चल रहा है सिलाई केंद्र, जहां पर जाकर महिलाएं सिलाई सीखती हैं। यहां पर नव साक्षर महिलाओं को मुफ्त में सिलाई सिखाई जाती है। प्रेमलता बताती हैं सिलाई सीखने का कारण। सिलाई इसलिए सीखती है कि हमारा और हमारे घर का थोड़ा बहुत कुछ न कुछ सिए तो हमारा गुजारा चल सकता है। आज यहाँ महिलाएं अपनी जरूरत के सारे कपड़े खुद ही सिलकर तैयार कर लेती हैं और अन्य लोगों के कपड़े सिलकर अपने लिए कुछ पैसे का बंदोबस्त भी कर लेती हैं। इस सिलाई केंद्र को चला रही चंद्रा बताती हैं महिलाओं के सिलाई सीखने का कारण। कारण तो ये है कि ये सब महिला ऐसी बैठी है बिचारी, तो ये थोड़े दो तीन महीने सीख जाए तो उनका घर का गुजारा तो निकल सकती है। कुछ भी हो, लेकिन आज इन आदिवासियों में आ रहे परिवर्तनों को देख कर लगता है कि आने वाला समय इनके जीवन में साक्षरता का इतना प्रकाश भर देगा कि सारी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। साक्षरता गान पर होता ये नाच गाना इसी खुशी का सूचक है। साक्षरता मुहिम का एक अच्छा सबक है, जब जागो तभी सवेरा, यानी अगर बचपन में नहीं पढ़ सके तो प्रौढ़ अवस्था में पढ़ सकते हो। एक निरक्षर वृद्धावस्था में साक्षर बन सकता है, इसलिए साक्षरता अभियान अब उन लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहा है जिनमें कोई फेल है या फिर जो अपराधी माने जाते हैं। साक्षर कैदियों की सोच में इससे काफी बदलाव देखा जा रहा है। जेल की हवा खाने का एक सबब शायद इनका बिना पढ़े लिखे होना भी है, तभी तो इन सजा भोगी मुजलिमों को यह दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन अब साक्षरता के पाठ से इनकी आंखें खुल गई है। चलो ये तो अच्छा ही है, जब जागो तभी सवेरा। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं ना। हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? संतुलित भोजन से, है कि नहीं? एक इंसान के लिए क्या जरूरी है? रोटी कपड़ा और मकान। नहीं कह जाएगा ताप विद्युत सौर्य प्रकाश ऊर्जा के कुछ कांकेर के इस जेल में 307 के जुर्म के अलावा विभिन्न आपराधिक मामलों के बंदियों की बस एक ही धुन है कि जल्द से जल्द वे पढ़ लिख कर सामाजिक ज्ञान को अपनी पोटरी में बांधें और जेल से बाहर आएं, फिर एक नई जिंदगी शुरू करें। अब पढ़ाई लिखे हैं सर, पहले अनपढ़ थे इसलिए थोड़ा दिमाग भ्रष्ट था। 302 में पहले पढ़ा लिखा नहीं था इसलिए मैं गलत काम कर दिया, अभी यहाँ से छूटने के बाद गलत काम नहीं करूंगा। कुछ ऐसे ही विचार हैं अनबंदियों के, जो अब साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से अक्षर ज्ञान प्राप्त करने में तल्लीन हैं। सभी बंदियों के मन में बस एक ही उत्साह है, पढ़ने पढ़ने और पढ़ने का, कुछ जानने का, जागरूकता को पहचानने का। अब तक इन्हें बहुत कुछ समझने का मौका मिल चुका है। इन्हें उम्मीद है कि अब ये जेल से निकलने के बाद कुछ बेहतर कर पाएंगे और समाज में सम्मानित ढंग से जीने के हकदार होंगे। चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। कुछ साल पहले मेरे भाई की हत्या हुई थी एक सरगना के द्वारा, वो जिसकी हत्या यहाँ से जेल से निकलने के बाद उसकी भी हत्या हो गई क्योंकि बहुत लोगों से उसकी दुश्मनी थी। वो ऐसे ही अंडरवर्ल्ड टाइप का था सरगात। भाई की हत्या हुई थी? जी, मेरे भाई की हत्या हुई थी कुछ सालों पहले, 2-3 साल पहले मेरे भाई की हत्या हुई थी। फिर उसके निकलने के बाद उसकी हत्या हो गई, जिसने मेरे भाई को मारा उसी ने की थी। उसकी हत्या हो गई क्योंकि उसकी हत्या होनी थी क्योंकि वो खुद सरगना था और असामाजिक तत्वों से उसकी बहुत पुरानी रंजिश थी। तो जब पुलिस कोई नहीं मिला तो मुझे ले आई, पुलिस रिमांड में मुझे बहुत यातनाएं दी गई
और मैं चिल्लाता रहा, रोता रहा, लेकिन पुलिस मेरी बात नहीं मानी और मुझे जेल में ढकेल दिया गया। मुझे आज भी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। मैं तो आगे पढ़ना चाहता था, कॉलेज जाना चाहता था, कॉलेज जाके फौज में भर्ती होना चाहता था, लेकिन मेरे सारे सपने धरे के धरे रह गए। कहते हैं खुली आंखों से ही देखे गए सपने सच होते हैं, बंद आंखों के सपनों का क्या। अब भी इनके पास सपने हैं, सपने हैं जो कुछ अलग हैं और सिर्फ अपने हैं, शिक्षित होने के सपने। बंदियों में पढ़ने की ललक बहुत ज़्यादा है और जहाँ तक मैं समझता हूँ उसका कारण जेल में उन्हें समय मिलना है। जेल में एक समस्या होती है कि बंदी अपना समय कैसे बिताएं। इस हेतु शिक्षा से जुड़ना बहुत फायदेमंद होता है उनके लिए। एक तरफ तो वे अपना समय भी व्यतीत कर लेते हैं और उसका दूसरा फायदा ये होता है कि वो शिक्षित भी हो जाते हैं। इसीलिए उनमें पढ़ने के प्रति बहुत ज़्यादा ललक पैदा होते हुए मैंने देखा। अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। अरे भाई, जिसे पढ़ाई लिखाई आती ही ना हो उसे भला अक्षर प्रेम कैसे हो सकता है। पर एक बार अगर कोई निश्चय कर ले कि उसे ज्ञान के मार्ग पर आगे चलना है तो फिर उसे इन अक्षरों में मतलब दिखाई देने लगता है। और इसके लिए कागज कलम की जरूरत नहीं पड़ती, स्लेट और पेंसिल भी काफी हैं। और फिर रेत में उंगलियां घुमाकर लिखने का भी अपना अलग ही आनंद होता है। कहते हैं रेत की दीवारों का क्या भरोसा, जितनी ही दफा बनाओ उतनी बार भरभराकर गिर जाती है, या रेत की दीवार छूते ही रेत अपने अस्तित्व में विलीन हो जाता है। रेत जो भरभराकर गिरने वाली एक चिकनी मिट्टी है, और यही रेत एक मजबूत मकान की ताकत भी है। रेतों पर आरी तिरछी लकीरें खींचना और अपने महबूबा के नामों को रेतों पर उभारने की अलसाई आदत सदियों पुरानी है। कोठिया गांव की महिलाएं भी स्लेट पेंसिल के अभाव में रेतों पर अक्षरों से जूझने और अंकों से माथापच्ची करने का प्रयास कर रही हैं। साक्षरता की गीत गाती हुई इन महिलाओं के गीतों में एक निवेदन है अपनी माँ से, ए मैया मुझे भी नाश्ता दे दे, मैं भी पढ़ने जाऊंगी। अपनी उम्र की करीब 50 बसंत गुजार चुकी इन औरतों में आई जागरूकता इस बात की गवाह है कि अब ये अपने अतीत के उन सुनहरे वक्त को पुनः पाने की अभिलाषा सजो रही हैं जिन्हें इनकी पीढ़ियों ने निरक्षरता की वजह से गवा दिया है। जहाँ पढ़ाई चलती है वहाँ मजबूरी बहुत है, वो लोग फायदा खोजती है। एक ही ग्रुप है जो बहुत अच्छी तरह से चल रही है। अक्षर अक्षर धन है अपना, अक्षर अक्षर धन है अपना, शब्द शब्द अधिकार, शब्द शब्द अधिकार। देवघर के इस संपूर्ण गृहस्थ गांव में सब कुछ तो है, इन गृहस्थ महिलाओं के जीवन में गृहस्थी का अंबार लगा हुआ है। सब कुछ तो है यहाँ, अपना अनाज, अपने पशु, अपनी खेती, अपनी बाड़ी, साथ ही है शुद्ध और खुशनुमा वातावरण। यदि कुछ कमी है इस गांव में, इस गांव के पुरुष और महिलाओं में, तो वो है साक्षरता की कमी। प्रशासन की ओर से गांव दर गांव में साक्षरता का संवाद तो जारी है, परंतु साक्षरता की पाठशाला में न तो स्लेटें हैं और न ही ब्लैक बोर्ड। बावजूद अभियान जारी है कुछ नए प्रयोग के जरिए। देवदीप टोटल लिटरेसी के उन मुद्दों को बड़े ही संवेदनशील ढंग से ढूंढने की तलाश में है जहां औरतों के द्वारा औरतों का शोषण हो रहा है। सास और बहू की निरंतर खींचातानी दोनों को जागरूकता की मंजिल तक पहुंचाने में बाधित हो रही है। घर का काम दिन भर करते हैं, दोपहर 12 बजे के टाइम में 2 घंटा पढ़ते हैं। पढ़ करके जब पढ़ जाएगा, जब को कुछ पूछेगा, कोई आएगा तो बताएगा, नहीं पढ़ेगा किसे बताएगा। को काम में धंधा लगता है, लिखने लगेगा किसे लिखेगा, पढ़ला तो लिख लेगा। कपास, 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 कप
देवों के इस नगरी में टोटल लिटरेसी का पहला दौर निरक्षरों के दरवाजे खटखटा रहा है। यहाँ कुछ महिलाएं स्वयं पढ़ती हैं और कुछ को समझा बुझाकर पढ़ाई से होने वाले फायदे बताए जाते हैं और ये सारा काम साक्षरता के वॉलंटियर्स करते हैं। इन्हीं वॉलंटियर्स के द्वारा देवदीप की हल्की हलचल निरक्षरों को प्राइमर का पाठ पढ़ाने में जुटी हुई है, जिसका उद्देश्य निरक्षरों के बदहाली की जलालत को दूर करके एक नई रोशनी की तलाश करनी है। सही है, एक बार पढ़ने लिखने का शौक हो जाए फिर लोग ज्ञान की इस रोशनी से निरक्षरता के अंधेरे में जाना नहीं चाहते। पर साक्षरता अभियान खत्म होने के बाद जहां नवसाक्षरों के बीच उत्साह और रुचि बनाए रखने का इंतजाम न हो, वहीं नवसाक्षर दोबारा निरक्षरता के अंधेरे में जा सकते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय के शेम्यरशंग इलाके में प्रेरक ने नवसाक्षरों को बुलाने का जारी रखा सिलसिला, जिससे इनकी रुचि किताबों में बनी रहे। सभी देशवासी साक्षर हो, इस दिशा में कोशिशें तो काफी हो रही है, पर एक समस्या हर जगह आती है। पूर्ण साक्षरता अभियान यानी कि टोटल लिटरेसी कैंपेन, जो कि साक्षरता मुहिम की पहली कड़ी है, जब ये खत्म होती है तो एक तरह से पूरे गांव में खुशी का माहौल होता है, पर दूसरी तरफ साक्षरता कर्मियों में ये डर रहता है कि नवसाक्षरों की पढ़ाई लिखाई में रुचि कैसे बरकरार रखी जाए। कई जगह ये भी देखा गया है कि पूर्ण साक्षरता अभियान के खत्म होने के एक साल तक भी जब कोई पढ़ता लिखता नहीं तो वह फिर से एक तरह के निरक्षरता के अंधकार में डूब जाता है। ऐसी नौबत ना आए, इसीलिए उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय के इस गांव के लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार एक अनूठा तरीका निकाला, जिस प्रेरक के यहां पर वे इकट्ठा होकर पूर्ण साक्षरता अभियान के तहत साक्षर बनने गए थे, उसी प्रेरक के यहां इन्होंने आना जाना रखा। क्योंकि कोई औपचारिक क्लास ये प्रेरक नहीं लेता था, तो ये गांव वाले कभी अकेले, कभी दो लोग तो कभी तीन लोग इस प्रेरक के घर जाते रहते। वहां अपनी पढ़ने की किताबें खोलकर बैठ जाते और प्रेरक उन्हें नई बातें बताता। प्रेरक पीपिया मारिया कहता है कि इस तरह से वो साक्षरता अभियान को खींच रहा है। लोग पढ़ना लिखना न भूले, इसके लिए निरंतर पढ़ाई जरूरी है। ये लोग गरीब है, मजदूरी वो भी दिहाड़ी पर करके गुजारा करते हैं, ये यहाँ आते हैं। वैसे भी इन सीखने वालों का उत्साह देखिए, उनमें उत्साह है कि किसी भी हालत में उनसे पढ़ना लिखना ना छूटे। तिरुपतला कहता है कि ये मजदूरी करता है कंस्ट्रक्शन साइट पर, मुझे पढ़ाई जारी रखनी है इसलिए यहाँ आता हूँ, मुझे बचपन में पढ़ने का मौका नहीं मिला था। इसी तरह मार्बो कहता है कि प्रेरक के यहाँ आते हैं अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए, कामकाज के बाद आते हैं अपनी इच्छा से, थके हारे भी होते हैं, कभी मुश्किल भी लगता है, पर ये हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं ये सोचकर इसी में परिवार और समाज की भलाई है। वैसे भी औपचारिक रूप से साक्षरता कक्षा चल रही है, तब तक तो वो इकट्ठा होकर साथ आ जाते थे, पर चूंकि सभी गांववासी अलग अलग तरह के कार्यों में उलझे हैं, इसीलिए अब उनके लिए अपनी अपनी व्यक्तिगत सुविधा के अनुसार आना संभव हो जाता है। प्रेरक तो एक तरह से उन्हीं का भाई बंधु है, इसलिए आने से पहले उसे नोटिस देने की जरूरत नहीं। सामाजिक स्तर पर या फिर पारिवारिक स्तर पर ही फायदा नहीं है, व्यक्तिगत स्तर पर साक्षरता की वजह से विकास विभिन्न उदाहरणों द्वारा ही समझा जा सकता है। योरिस मुखीम इसका जीता जागता उदाहरण है। छोटी सी दुकान चलाने वाली योरिस बताती है कितना फर्क है एक निरक्षर द्वारा दुकान चलाने में और एक साक्षर द्वारा। अब ये खुद हर तरह की दिक्कतों का सामना कर पाती है। इसमें आई नई समझदारी की वजह से ये सामान खरीदने में नहीं ठगी जाती, साथ ही व्यापार का लेखा जोखा भी अच्छी तरह से रखती है। एक और बात, ये अब सोच पाती है कि सामान को किस कीमत पर बेचा जाए। देख लीजिए,
साक्षरता की लौ किस प्रकार उजाला लाती है। साक्षरता अभियानों से एक बात तो सामने आई, लोग निरक्षर हैं इसलिए नहीं कि उन्हें निरक्षरता पसंद है, बल्कि इसलिए कि उन तक साक्षरता की लौ पहुंची ही नहीं। एक बार रोशनी देख लें तो ये लोग जागरूक हो जाते हैं, और ये बात हर इलाके, हर तबके, हर समाज पर लागू होती है। भोपाल के मुस्लिम समुदाय की औरतों के लिए घर से बाहर निकलने पर पाबंदी थी, लिहाजा उन्हें पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा गया, पर अब वहाँ बदलाव देखा जा रहा है। यह है भोपाल का वो रूप जो दिनों दिन प्रगति के रास्ते पर बढ़ता जा रहा है। आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है ये शहर। यहाँ की झील और उसके साथ साथ बसा हुआ ये शहर दूर दूर तक मशहूर है। लेकिन शहर चाहे कितना ही आधुनिक हो गया हो, कितना ही विकास कर चुका हो, उसके कुछ इलाके पिछड़े होते ही हैं, जहाँ गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का बोलबाला होता है। इस शहर का भी ऐसा ही एक मोहल्ला है, काजी कैंप। मोहल्ले में रहने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय के हैं। इन लोगों में पर्दा प्रथा का चलन बहुत था, जो कि सालों से चला आ रहा था, और साथ ही ये लोग अपनी लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर देते थे। यही कारण था कि यहाँ की महिलाएं और लड़कियां अशिक्षित थीं। सदियों से चली आ रही इन परंपराओं को तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ इन लोगों में जागरूकता आ रही है। इनके विचारों में भी परिवर्तन हो रहा है, और इनके जागरूक होने का सिर्फ एक ही कारण है, साक्षरता। पढ़ना बढ़ना आंदोलन के तहत यहाँ चल रहे साक्षरता केंद्र पर आकर जब औरतों ने पढ़ना लिखना शुरू किया, तब उनको साक्षरता से होने वाले फायदों का सही रूप मालूम पड़ा, और अब ये अपनी लड़कियों की पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही हैं। शिक्षा का प्रसार होने के कारण छोटी उम्र में लड़कियों की शादी होना भी कम हुआ है, साथ ही पर्दा भी पहले की अपेक्षा थोड़ा उठ गया है। लोगों के विचारों में परिवर्तन आने के कारण अब लोग अपनी लड़कियों को लड़कों के बराबर ही समझने लगे हैं। अस्मा बताती हैं, पहले के लोग सोचते थे कि पढ़कर क्या करेंगी लड़कियां, बस शादी कर दें और उसके बाद अपना कर्तव्य जो सब खत्म हो गया लड़की के। उससे लड़कों को ज्यादा वो दिया जाता था, लड़कियों को कम बर्ताव में बहुत ज्यादा वो करते थे लड़कियों के साथ। आज ये नहीं है, आज माँ बाप समझ गए कि लड़का और लड़की सब एक समान है। ये है संजीदा बेगम। पर्दा प्रथा का चलन होने के कारण बचपन में पढ़ाई नहीं की और शादी भी कम उम्र में कर दी गई। दुर्भाग्य से शादी के एक साल बाद ही पति का देहांत हो गया। सर्विस के लिए कई जगह गईं, मगर पढ़ी लिखी ना होने के कारण कहीं भी सर्विस नहीं मिली, और अब ये साक्षरता केंद्र में पढ़ाई कर रही हैं। अपना हाल सुनाते हुए ये कहती हैं, पढ़ने से बहुत फायदा हुआ कि पहले हम बगैर पढ़े लिखे थे, अब कहीं भी, जैसे हमारे पति का मतलब देहांत हो गया था एक साल की शादी के बाद ही, अब कहीं भी सर्विस के लिए जाते थे तो हमको सुन लेते थे कि आप पढ़ी लिखी हैं, जी नहीं साहब तो सिग्नेचर भी नहीं कर सकते, वैसे सब नौकरी के लिए हमको हटा देते थे, कोई रखता ही नहीं था। उसके बाद हम मतलब 2-3 साल हम ऐसे बहुत परेशान रहे, फिर उसके बाद हमको बस अब ये है कि हम पढ़ाई शुरू करिए, तो हमें ये महसूस होता है कि सेवा है कार्य का। तो गांधी भवन वहाँ मैं आश्रम में सर्विस करने लगी हूँ। और केंद्र में पढ़कर साक्षर हो जाने के बाद इनका कहना है कि पढ़ा लिखा इंसान समझदारी से बात करता है। तो हर घर जो है वो पढ़ा लिखा है तो वो अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे रहा है, और बढ़ रहा है हमारा देश तरक्की पे, होता है ना कि मतलब हर इंसान पढ़ा लिखा इंसान हर समझदारी की बात करता है कहीं भी। अब आप यही है कि सब अनपढ़ हैं तो पहले दंगे फसाद ज्यादा होते थे, अब पढ़ाई लिखाई हो गई तो वो अच्छा बुरा सब समझने लगे। जबकि केंद्र में पढ़ रही रफीका बी के माँ बाप ने इनको नहीं पढ़ाया, आज भी इनको दुख है कि पहले पढ़ाई नहीं की, लेकिन केंद्र में पढ़ाई करने के बाद अब इन्होंने किताब पढ़ना सीख लिया है। साक्षरता से होने वाले फायदों को गिनाते हुए ये कहती हैं, पढ़ाई लिखाई की वजह से जो फर्क आता चला जा रहा है, समझ आती जा रही है, छोटे बड़े का अदब लिहाज आता जा रहा है, पढ़ने लिखने से अच्छा बुरा समझ में आता है, किससे क्या कहना चाहिए, कैसी बात करना चाहिए। इस साक्षरता केंद्र को चला रही हैं सबीहा। ये बताती हैं कि जब इस केंद्र को चलाया गया तो शुरू में कुछ मुश्किलें आईं, कोई पढ़ने आ जाता था, कोई कहता कि उम्र हो गई अब नहीं पढ़ेंगे,
लेकिन धीरे धीरे लोग समझ गए और पढ़ने आने लगे। साथ ही ये बताती हैं कि जो लोग पढ़ गए, साक्षर हो गए, वो जमाने को देखकर अपनी लड़कियों को पढ़ाने लगे। साक्षर होने के बाद लोगों में आए बदलावों को बताते हुए ये कहती हैं, हम अपने बच्चों को भी अच्छे तौर तरीके बता सकते हैं, उनको साफ सफाई करवा सकते हैं, घर में रहन सहन के भी तरीके मालूम होते हैं पढ़ाई में, और एक अनपढ़ इंसान में पढ़ाई के पढ़े लिखे इंसान में रहन सहन में, उसमें खाना बनाने में, बाजार जाने में, बाजार जाने में हिसाब किताब सही मालूम हो जाता है। वाकई सदियों से पर्दे में रहने वाली इन अनपढ़ महिलाओं को पढ़ाई करते हुए देखना अपने आप में एक नया अनुभव है, और इनके विचारों में आ रहे परिवर्तनों को देखकर लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब ये भी पढ़ी लिखी महिलाओं की तरह पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। तो ये था हमारा आज का ज्ञानदीप। ज्ञानदीप के अगले एपिसोड में कुछ खास क्षेत्रों की कुछ खास बात लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सबको साक्षर बनाना है, अब तो शोषण से लड़ना है, नया समाज हमें गढ़ना है, प्रगति की राह पर चलना है, सपनों को साकार बनाना है, पढ़ना है।